सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस अनदर ब्लॉग। तो फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं और एक ब्लॉग और एक नई दिन में। तो मेरे पीछे है जो पहले से आपको पता लग गया है कि मैं कहाँ आया हूँ, अब चलिए यह है टीपू सुल्तान का समर पैलेस। तो आप चलिए, कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं मोबाइल में शूट करता हूँ, तो आप लोगों को सभी जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, ये सभी ऐसा। तो आप चलिए, ये सभी बंद है, पता नहीं क्यों, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन बाहर जो भी मैं शूट कर सकता हूँ गोप्रो में, तो अंदर अलाउ नहीं है। तो मैं अंदर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। तो देख सकते हैं ये सभी टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ये सभी लकड़ी का बना हुआ है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। तो ये देख सकते हैं 1781 में नवाब हदीर अली खान ने इसको स्टार्ट किया था, इस महल को, और टीपू सुल्तान ने इसको 1791 में उसको ख़त्म किया था। ये देख सकते हो ऐसा उसका हिसाब किताब। जो भी मतलब बाहर आप जाओगे तो पूरा आपको गर्मी लगेगा, लेकिन अंदर आओगे तो आपको गर्मी का फील ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा जो ये बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा वुड में बना हुआ है। ये देख सकती हो, ये जो वुड है पहले उसको पानी में डुबा के कुछ दिन रखते थे, मतलब 30-40 या 50 दिन के, पता नहीं मेरे को क्या, गूगल कर लेना। इस लकड़ी को पानी में डुबा के रखते थे और उसके बाद उसको ला के यहाँ काम करते थे, जैसे कि अभी तक देख सकते हो। 1791 में स्टार्ट हुआ था, सॉरी कंप्लीट हुआ था ये महल, और आज 2022, अब काउंट कर लेना कितना साल हो गया, अभी तक स्ट्रांग है। देख सकते हो इसका जो कलाकृति है पूरा बारीकी से पूरा दी गई है। मैं ऊपर को उस रास्ते से आप मैं जाऊँगा और आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी दे दूँगा, कोई टेंशन का नहीं है, मैं सभी आप लोगों को बताऊँगा। तो यहाँ एक कमरा है, थोड़ा चलो अंदर जाके देखते हैं अंदर में क्या है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हो अंदर में, देखो ये जो सभी पूरा लकड़ी है पूरा का पूरा अभी तक भी सही सलामत है, देख सकते हो। टीपू पैलेस बेंगलोर, ये पहले इस एरिया ऐसा हुआ करता था, देख सकते हो, लेकिन अभी कैसा है। तो ये देख सकते हैं शायद उसका उनका हथियार है ये, पता नहीं ये क्या, मेरे को तो वही लगता है हथियार से सही लग रहा है। मैं इंस्टा में फ़ोटो दे दूंगा, आप जाके उधर चेकआउट कर सकते हैं। और एंट्रेंस से, इस एंट्रेंस से बाहर निकलने के बाद हमको उस साइड का नज़ारा ऐसे दिखती है, देख सकते हो। पूरा कपड़ा जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरा लकड़ी में, कोई भी एक लोहे का भी अंश नहीं है यहाँ पे, सभी पूरा वुड का। तो ये कुछ दिमाग लग गया है शायद ये, और ना ये भी सही सलामत है, पूरा स्ट्रांग है ये सभी। उसका पीछे का हिस्सा
अभी भी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, मतलब उसका फर्स्ट फ्लोर को चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। क्या ज़्यादा है भाई, बहुत सुंदर है। तो ये भाई देख सकते हैं क्या नज़ारा है। तो यह कुछ बंद करके रखा है, पता नहीं, इसको देख सकते हैं, इसका ऊपर का नज़र ऐसी है, देख सकते हैं। और यहाँ का नज़ारा ऐसे, यह है पूरा बैक साइड, यह है बैक साइड और यह फ्रंट। और ये जो जगह आप लोग देख रही हैं, इसमें राजा बैठ के पूरा सभा का आयोजन करते थे, मतलब यहाँ पे राजा बैठते थे और उस साइड में जो देख रहे हैं उस साइड में अपना जो मंत्री सभी जो लोग हैं उस साइड में बैठते थे। ये तो जाने के लिए बंद कर दिए हैं अब, चलिए वरना अच्छा होता। तो इस महल का नाम तो सभी जानते हैं, टीपू सुल्तान समर पैलेस। तो उसका ओरिजिनल नाम कई लोगों को भी पता नहीं है, तो एक्चुअली इस महल का नाम है रस्के जन्नत। तो ये एक्चुअली क्या इसमें उसका मतलब है खुशी से रहने वाली जगह, मतलब ये। तो अभी टीपू सुल्तान का पैलेस घूमना ख़त्म हो गया, तो अब चलिए हमको और दो प्लेस कवर करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने बैक टू बैक उसको अपलोड करूँगा। आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। तो अभी हम चलते हैं बैंगलोर फोर्ट को, उसके बाद चलेंगे जो टीपू सुल्तान का वफेन स्टोरेज रूम है उधर ही चलते हैं। ये दोनों प्लेस कवर होने के बाद आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने के लिए। तो आई होप इस प्लेस का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना।